चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जून 24 के लिए। आप पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सेम प्रोविजन सेम प्रोविजन। ठीक है देखते हैं, और आगे देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वन ए बी सी तीन जो है क्विकली देख लेते हैं। श्योरिटी है किसके लिए? डी के लिए। इन टू थ्री सेवरल बॉन्ड्स, ओके, अंडर अ डिफरेंट पेनाल्टी, जैसे कितना कितना ए जो है वो कितना देगा मैक्सिमम, डिफॉल्ट होता है तो 1 लाख, बी 2 लाख, सी जो है वो 4 लाख। ठीक है, किसको ये लोग श्योरिटी दे रहे हैं? डी को। कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, यानी कि ई के साथ ई का डी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डी अगर गलती करता है तो उसके बिहाफ पे ये लोग पे करेंगे। फिर क्या है, डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लैक्स। अब 4 लाख का ये गलती करता है, तो अब बताइए कि अप टू वॉट एक्सटेंट ए बी सी तीनों लायबल होंगे। ये तीनों कितने कितने के लिए लायबल थे? 1 लाख के लिए, एक था 2 लाख के लिए, और एक था 4 लाख के लिए, और सामने जो गलती हुई वो टोटल 4 लाख की ही हुई है। तो कितने के लिए ए बी सी जो है वो लायबल होंगे? क्वेश्चन नंबर वन, अप टू वॉट एक्सटेंट, ये वन है और ये क्वेश्चन नंबर टू है, सॉरी। कितने? तो अगर देखा जाए तो ए का जो मैक्सिमम है वो 1 लाख है, तो ए तो पूरा अपना मैक्सिमम दे देगा। ठीक, सेवरल बॉन्ड है और डिफरेंट पेनाल्टी ये लोग को पे करना है, तो ए का मैक्सिमम कितना? 1 लाख, 1 लाख तो गया। अब बचा कितना? 4 लाख का था, तो 1 लाख तो चला गया, तो ये बचा 3 लाख। अब 3 लाख में ये 2 लाख बचा और ये 4 लाख है, बी और सी को अब देना। ये तो पूरा दे दिया अपना मैक्सिमम, तो क्या ये 2 लाख पूरा दे देगा? ये पूरा अगर 2 लाख दे देता है तो फिर सी को है वो 1 लाख ही देना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा, यानी कि जो 3 लाख बच रहा है वो ये दोनों इक्वली देंगे, डेढ़ डेढ़ लाख दे देंगे, कौन? बी एंड सी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू में था कि क्या होगा अगर डी जो है वो डिफॉल्ट 4 लाख के जगह पे 7 लाख का करता, तब तो सारा अमाउंट यूज हो जाता, 1 लाख ए का, बी का जो है वो 2 लाख, और सी का 4 लाख, तो सारे मिलाकर हो जाते 7 लाख। हो गया क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, अरुण प्रोमिसेस टू पे रामा फॉर ऑल ग्रोसरीज बाउट बाई कैरोल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इफ कैरोल फेल्स टू पे, अगर कैरोल जो है वो 12 महीने के लिए फेल होता है तो मैं रामा को पे करूंगा। ये कौन दिया है श्योरिटी? ये दिया है अरुण भाई साहब। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कैरोल बाइज 2000 वर्थ ऑफ ग्रोसरीज। ठीक है, आने वाले 3 महीनों में 2000 का वो ग्रोसरी खरीदा, और उसके 3 महीने जैसे ही बीता, मतलब 2 महीने ये और 3 महीने बाद, अरुण भाई साहब जो गारंटी दिए थे, श्योरिटी में बोल दिया था, गारंटी दिए हैं, वो गारंटी अपना वापस ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 महीने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है 2000 का तो वो खरीद लिया है, लेकिन उसके बाद वो दे देते हैं कि अब मैं इसका जो है वो गारंटी नहीं दे सकता। कैरोल उसके बाद जो है, कैरोल फिर से 1000 का ग्रोसरी और परचेज करता है, और कैरोल जो है वो पे नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन ये है कि अरुण कितने अभी भी लायबल है? तो देखिए, अरुण लायबल है किसके लिए? जो वो 2000 पहले हुआ है ना उसके लिए, जो बाद में उसके रिवोकेशन के बाद जो 1000 का जिसमें वो गारंटी नहीं दिया है वो हुआ है ट्रांजेक्शन, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बोल रहा है कि अगर वो लायबल है तब कितना उसे देना चाहिए। तो पहले तो बोला है कि वो लायबल नहीं है 1000 के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसके नोटिस या फिर रिवोकेशन के बाद का है, उससे पहले तो वो रिवोकेशन दे चुका था। और वो लायबल कितने के लिए? 2000 के लिए, जो उससे पहले हुआ था, यानी कि बिफोर द नोटिस। अगला क्वेश्चन, मिस्टर चितन जो है वाज अपॉइंटेड एज साइट मैनेजर ऑफ ए बी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, और मंथली सैलरी कितना उनको मिलना है? 50,000। पवन जो है वो सियोरिटी देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर चेतन कंडक्ट। चेतन जो काम करेंगे उसका वो सियोरिटी दे चुके हैं। ठीक, आफ्टर 6 मंथ द कंपनी वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे 50,000 टू मिस्टर चेतन। मिस्टर चेतन को 50,000 मिलने वाला नहीं है। चेतन एग्रीड फॉर लोअर सैलरी ऑफ 30,000, कोई बात नहीं भाई 30,000 ही मुझे दे दो। दिस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू मिस्टर पवन। मिस्टर पवन जो सियोरिटी लिए थे उनको ये बात नहीं कही गई है। और 3 महीने के बाद क्या हुआ होता है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द चेतन हैड बीन डूइंग फ्रॉड। अब वो फ्रॉड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। बताइए, अगर आपने कोई नोटिस नहीं दिया और बाद में कुछ भी गलत करते हैं तो सामने वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाता है। ये हम श्योरिटी में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पवन ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ द चेतन्स अपॉइंटमेंट? वही बात करता है, तो उसके पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब कम्युनिकेशन से पहले, उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उसके बाद के लिए वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कोई भी फ्रॉड हो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो वही बोला है यहाँ पे, देखिए डिटेल में लिख दिया हूँ क्या। एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएशन, कोई भी वेरियांस या फिर वेरिएशन आप लाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ सियोरिटी, जो सियोरिटी दिया है उसे तो कुछ भी नहीं कहे, तो सियोरिटी क्या है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस इंस्टेंट केस में हुआ क्या है, मिस्टर पवन इज लाइबल एज सियोरिटी फॉर द लॉस सफर्ड बाई ए बी सी कंपनी
ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाई मिस्टर चेतन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है, बट नॉट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन कमिटेड आफ्टर द रिडक्शन इन सैलरी। सैलरी का रिडक्शन हुआ और जो भी चेंज है उसका तो वो कम्युनिकेशन हुआ नहीं था उससे, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हेंस मिस्टर पवन विल बी लायबल एज ए श्योरिटी फॉर द एक्ट ऑफ मिस्टर चेतन बिफोर द चेंज इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म होने से पहले, और उसके लिए वो नहीं लायबल होंगे जो उनसे कम्युनिकेट नहीं हुआ था। वो कंपनी की तरफ से श्योरिटी थे, तो बाद में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए वो लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे कम्युनिकेट नहीं किया गया था। सिंपल। एक्स डिलीवर्ड क्या किया है? बुक्स टू वाई, और क्या है? वाई प्रोमिस टू रिटर्न द बुक्स विद अ रिजनेबल टाइम। मतलब मैंने मैं मान लीजिए एक्स, मैं आप वाई हैं, तो मैंने आपको कुछ बुक्स दिए हैं और आपने बोला कि ठीक है मैं टाइम्स के साथ आपको दे दूंगा। एक्स प्रेस्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द बुक्स बट वाई फेल्ड टू डिलीवर देम। अब मैं आपके पास आया, बोला कि अब मेरा बुक दे दो, अब टाइम भी खत्म हो गया और आप नहीं दे पाए मुझे अपना बुक्स जो मैं पेल्ड किया था आपको। तो पूछ रहा है कि सब्सिक्वेंटली द बुक्स वेयर बर्न्ट, और बाद में आग भी लगी। बताइए, मैंने आपको दिया, मैंने आपको पेल्ड किया, आप कुछ मुझसे पैसे लिए होंगे, और आपसे जब मैं मांगने गया अपना बुक तो आप बुक भी नहीं दे रहे, और बाद में वो बुक जल गई, तो गलती तो आपकी है, टाइम पर दे देनी चाहिए थी। तो बोला कि कौन लायबल होगा? तो वाई लायबल होगा, रिटर्न करना चाहिए था टाइम पर। अब सुनिए, ये सारे क्वेश्चंस का जो है मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लें, क्विकली समझा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं लगेगा। ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद अ पार्टिकुलर मार्क टू बी, बी को दे देना, ठीक है? कौन? ए बेल किया है बी को। बी विदाउट ए कंसेंट मिक्स कर दिया 100 बेल्स विद अदर बेल्स ऑफ हिज ऑन बियरिंग अ डिफरेंट मार्क्स, अलग अलग तरीके का मार्क वाला उठाया और जो ए ने बेल किया था बी को, बी ने उसके साथ मिक्स कर दिया। तो व्हाट आर दी रिमेडीज अवेलेबल टू, अब क्या कर सकता है भाई साहब? वो क्लेम करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा अपना, अगर सेपरेबल है तो उस चीज़ को सेपरेट करवा कर अपने वापस ले लेगा अपने बेल्स को, और अनसेपरेबल है तो उसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा। व्हाट आर दी लायबिलिटीज ऑफ द बेली, तो बेली का क्या है? अगर आपने गलती किया है, अच्छे से केयर नहीं किया, तो आप उसका रिटर्न डैमेजेस देंगे, और क्या है? सारे एक्सपेंसेस बियर करेंगे जो भी हुआ है सेपरेशन में या सेपरेट करने में लगेगा। अब देखिए, इफ एक्स बेल्स इज ऑर्नामेंट टू वाई, एक्स ने वाई को अपना ऑर्नामेंट दिया और वाई जो है किस दिज ऑर्नामेंट इन हिज ऑन लॉकर, खुद के लॉकर में रखा है खुद के घर पे, अलॉन्ग विद हिज ऑन ऑर्नामेंट्स, और उसमें उस खुद के भी ऑर्नामेंट्स हैं। इफ ऑल द ऑर्नामेंट्स आर लॉस्ट या फिर चोरी हो जाता है इन रयत, यहाँ पे देखिए इन रयत, तो इज वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस्ट वेक्स। देखिए, अगर आपने किसी को सामान दिया है, ठीक है, बेली है, और अगर उसने केयर प्रॉपर केयर देकर अगर उसको रखा है, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होता। इसीलिए लिखा गया है कि प्रोविजन्स नीचे एक्सप्लेन होगा, आप देख लेना। नहीं, प्रोविजन इसमें नहीं, डायरेक्टली लिख दिया हूँ। वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एक्स, मैंने बता दिया कि अगर आप केयर अच्छे से किए हैं, भले बाद में चोरी हो गया, क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अगला है, इफ ऑन द अदर हैंड अगर एक्स जो है वो स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करता वाई को कि बैंक में रखो, लेकिन वाई जो है वो उसको अपने रेजिडेंस पे रखता, तब तो आप स्पेसिफिकली जब बता चुके कि यहाँ पे रखना और वहाँ पे नहीं रखा और कहीं और पे रखा और वहाँ से चोरी हो गया, तो ये क्या हो गया? उसने केयर नहीं किया, आपने जो बात कहा उसका केयर नहीं किया, तो इसके लिए वो लायबल हो जाता। वाई वुड बी लायबल फॉर द लॉस कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ रयत, दूसरे केस में। अगला देखिए, मिस्टर ए जो है वो डिलीवर किए हैं क्या हर ज्वेलरी टू मिस्टर वाई, एक गोल्ड स्मिथ को। सिंपल ये केस समझा देता हूँ कि मिसिस ए जो है वो जाती हैं गोल्ड स्मिथ के पास और बोलती हैं कि मैं कुछ ज्वेलरी देती हूँ, तुम इसका क्या करना, सिल्वर बॉल बना देना। वो बेचारा बोलता है ठीक है बना देंगे, लेकिन वो करती क्या है, एवरी इवनिंग सी यूज टू रिसीव द अनफिनिश्ड गुड, जो बच अभी बाउल बना भी नहीं है उसको क्या करती है, वो एक बॉक्स में बंद करती है वहीं पे और अपना ताला लगा देती है। टू पुट इन टू बॉक्स केप्ट एट वाइज शॉप, सी केप्ट द की ऑफ दैट बॉक्स विद हरसेल्फ। अब मैंने आपको सामान दिया, मैंने बोला कि इसको ये चीज़ बना देना, अब मैं वहाँ पे गया, अपना वहाँ पे बक्सा रखा हूँ, उसमें मेरा अपना ताला है, चाहिए हर चीज़ मेरा है, ठीक है, पोजेशन मेरा है, आपका तो नहीं हुआ, पोजेशन मतलब आपके अंडर में है, वो आपके अंडर में तो है नहीं, क्योंकि मैं ही उसको रख रहा हूँ, मैं ही उसको लॉक कर रहा हूँ, तो वो मेरे ही अंडर पोजेशन में है। वन नाइट द सिल्वर बॉल्स वाज स्टोलन फ्रॉम दैट बॉक्स, अब वो चोरी हो गया बॉक्स से, तो बोला वाद द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्या बेलमेंट का था? तो बेलमेंट कहते हैं किसको, इस रिगार्ड में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो लिखा है कि वो खुद के पास जो है वो चाबी रखती थी, तो इसमें क्लियरली आपको बेलमेंट को एक्सप्लेन करना है कि बेलमेंट है क्या। बेलमेंट ये है जिसमें आप सामने वाले को पोजेशन देते हैं, पोजेशन देते हैं, ठीक है, जो कि आपके बिहाफ पे ऑथोराइज रहता है उसको होल्ड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सामान को डिलीवर कर देना है पोजेशन के लिए, डिलीवरी नेसेसरी है तभी वो बेलमेंट होगा, अगर आपने डिलीवरी ही नहीं किया है तो पोजेशन नहीं माना जाएगा। तो डिलीवर तो यहाँ पे किया नहीं, वो तो खुद अपना ताला अपना चाबी अपना बक्सा हर चीज़ उसका था, तो डिलीवरी नहीं है, और ये क्या है, ये बेलमेंट नहीं है। वेदर द पोजेशन ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अ
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट, पजेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। भी लिखा है इन दिस केस देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ए डिड नॉट डिलीवर द कंप्लीट पजेशन, पजेशन तो मिला ही नहीं है उसको, तो पजेशन नहीं मिला, डिलीवरी तो हुआ ही नहीं, तो पजेशन की तो बात ही नहीं है, खैर तो वो लाइबल नहीं होगा। आगे देखते हैं, सिंपल था ऊपर का केस था, उसमें डिलीवरी कर देना था, पजेशन दे देना था, लेकिन वो तो दिया ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सामान आपके घर पे रख दिया था, इसका मतलब मेरा आपका पजेशन हो गया, मैंने आपके घर पे रखा और उसमें बक्सा है जो रखने की जगह, वो सब चीज़ मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो पजेशन तो मेरा हुआ ना, डिलीवर तो आपको हुआ ही नहीं वो। आगे देखिए, ए एट चेन्नई बाई लेटर डायरेक्ट्स बी टू सेल फॉर हिम, कि मेरे लिए सेल करो, सम कॉटन लाइंग इन द वेयर हाउस इन द मुंबई, जाओ मुंबई में मेरे लिए सेल कर दो। फिर एक और लेटर बोलता है कि नहीं नहीं उसको कैंसिल करो, मुंबई में नहीं, चलो वापस लाओ चेन्नई में ही। ठीक, बी को फिर वापस बुलाता है। बी आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड लेटर रिवोकेशन लेटर इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी, आप बताइए उसको लेटर मिला फिर भी वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, जिसको सिर्फ पता था फर्स्ट लेटर के बारे में बेचारे को, कि हाँ सामने वाला जो है वो एजेंट है, एजेंट ही तो हुआ ना। अब ए ने बी को भेजा कि जो जाओ तुम मुंबई में सेल करो, अब उसने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, अब सी को तो यही पता है कि वो मुझे बेचने वाला है ए के बिहाफ पे, ठीक है, और सेकेंड लेटर उसे पता भी नहीं है कि ये रिवोक हो गया है, ये नहीं बेच सकता। फॉर द सेल ऑफ द फॉर द सेल टू हीम ऑफ द कॉटन, ठीक है, सी पेज बी द मनी, उसने पैसे भी दे दिया, विच बी ऑब्सकॉन्स, अब बी ने उसके साथ अपना खेला खेल गया उस पैसे को लेकर। फिर बोला इज सीज पेमेंट गुड एज अगेंस्ट, जो सी ने पेमेंट दिया जो बी को दिया, तो क्या वो माना जाएगा कि उसने ए को ही दिया? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि एक तो कि जो आपका थर्ड पर्सन है जो परचेज करा वो गुड फेथ में परचेज करा, उसको कोई भी रिवोकेशन का नोटिस नहीं है, तो वो ये मानकर चलेगा कि सामने वाला एजेंट जो है वो अपने ऑनर को ही, अपने प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सी इज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए, क्यों? क्योंकि प्रोविजन कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंट सिक्योरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। अगला पॉइंट, द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड्स द एजेंट टेक्स इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम, सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नोन टू देम, कारण कि जब तक वो जान नहीं जाते वो यही मानेंगे कि आप ऑनर हैं, सिंपल। तो सी जो पे किया है वो मानेगा कि ऑनर को ही पे किए हैं, उसे नहीं पता रिवोकेशन के बारे में। ए इज एम्प्लॉयड बाई बी टू बाई फ्रॉम सी सर्टेन गुड्स ऑफ विच सी इज द अपेरेंट ऑनर एंड बाइज देम अकॉर्डिंगली, ठीक है, ए जो है वो इम्प्लॉय किया गया किसके द्वारा, बी के द्वारा, कि जाओ तुम खरीदो किससे, सर्टेन गुड्स ऑफ विच सी इज द अपेरेंट ऑनर, ठीक। इन द कोर्स ऑफ द ट्रीटी फॉर द सेल ए लर्न्स दैट द गुड्स रियली बिलोंग टू डी, अब बताइए अब जो अपॉइंटेड है ए उसको पता चल रहा है कि मुझे जो सी से लेना है वो सामान तो डी का है, बट बी बी जो है भाई साहब मेन इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, बी को तो कुछ पता ही नहीं है। अब मैंने आपको अपॉइंट किया और आपको पता है कि जिससे मैं आपको भेज रहा हूँ कुछ सामान खरीदने को, आप जा रहे हो, और जब जो आप सामान खरीद रहे हो मैंने बोला कि तुम सी से खरीदना, अब तो आपको पता है कि जो सी से वो खरीदने के लिए बोला वो सी का नहीं है, वो तो डी का है। अब क्या हुआ, इज बी इंटाइटल टू सेट ऑफ अ डेब्ट ओविंग टू हिम फ्रॉम सी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ गुड्स, बोल रहा है कि क्या डेब्ट को वो ख़त्म कर सकता है, तो सुनिए, बी इज नॉट एंटाइटल टू सेट ऑफ अ डेट ओविंग टू हिम फ्रॉम सी, क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया जाएगा कि मेरा एजेंट है वो तो मेरे भी यहाँ पे ही काम कर रहा था, तो प्राइस द नॉलेज ऑफ द एजेंट इज ट्रीटेड एज द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, अब मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने आपको एजेंट बना दिया, मतलब अथॉरिटी दे दिया, अब आपको कुछ गलत चीज़ें नोटिस हो रही है तो एज ए एजेंट आपको मुझे बता देनी चाहिए, अब नहीं बताते हो उसका थर्ड पर्सन जो है वो लेकर नहीं बैठा है, क्या बताओगे कि नहीं, वो ट्रीट यही किया जाएगा कि आपको अभी पता था, तो आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते सी से, क्योंकि सी का तो एक्चुअली में वो गुड्स है ही नहीं, वो तो डी का है। आगे आता है बी, द प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर, एक प्रोप्राइटर है न्यूज़पेपर के, पब्लिशेज एट ए रिक्वेस्ट अ लेबल अपॉन द सी इन द पेपर, देखिए लेबल क्या होता है, किसी भी गलत चीज़ों को लिखना, तो क्या कहता है ए के रिक्वेस्ट पे बी भाई साहब जो है वो गलत चीज़ें लिख रहे हैं, किसके बारे में, सी के बारे में, एंड ए एग्रीज टू, ए बोला कि ठीक है तुम लिखो ना सी के बारे में गलत, मैं तुमको पैसे दूंगा अगर कुछ भी पब्लिकेशन में दिक्कतें आती है, जो भी आती है, सारे खर्चे या डैमेज जो भी एक्शन होता है उसके बिहाफ पे। अब बी जो पब्लिशर भाई साहब थे उन पे सी ने केस कर दिया कि तुम मेरे ऊपर गलत गलत क्यों छाप रहे हो, जैसे लाइबल का मतलब होता है कोई भी गलत इंफॉर्मेशन को छापना, कौन लाइबल होगा, छाप रहा है वो लाइबल होगा, और क्या, बी हैज़ टू पे डैमेजेस एंड आल्सो इनकर्स एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि वही जो है वो गलत काम कर रहा है, और क्या है, इज ए लाइबल टू आइडेंटिफाई बी,
तो भाई जब कॉन्ट्रैक्ट गलत है, आप फॉल्स चीज़ के लिए बना रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसने आपको कहा था वो इंडेमनीफाई करेगा ही। एज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई भी। प्रोविजंस देखना तो देख लेना, वेयर वन पर्सन इंप्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, द इम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू द एजेंट आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस और एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू आइडेंटिफाई हिम अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द फैक्ट। तो जो वो बोला था ना कि मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको देगा ही देगा। अगर गलत काम करवा रहा था तो आप ही लाइबल होंगे क्योंकि आप कर रहे थे। अब लॉ का आंसर कैसे देना है, इसका मैं ट्रिक का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और ये सारे का PDF मैं दे दूंगा, 30 मिनट्स फाउंडेशन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम करना 30 मिनट्स फाउंडेशन, तो वहाँ से मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ से मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब क्विकली देख लेता हूँ। ए इम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1 लाख फ्रॉम सी। ए इम्प्लॉय क्या बी को कि 1 लाख तुम सी से कलेक्ट करके लाओ, और क्या करो, इन्वेस्ट करो सिक्योरिटी में रिटर्न के लिए, मतलब मुझे प्रॉफिट चाहिए भाई। बी रिकवर कर लिया अमाउंट, और 90,000 को तो क्या किया, उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी कर दिया, ठीक, और 10,000 ऑन सिक्योरिटी विच ही आउट टू प्रोवाइड पुअर रिटर्न, जिसमें रिटर्न अच्छा नहीं है, और वो क्या बोला था कि गुड रिटर्न में इन्वेस्ट करना, ठीक है, और ये उसने 90,000 तो गुड में कर दिया, ठीक, लेकिन 10,000 नहीं कर पाया, वहाँ पे लॉस हो गया 2,000 का। तो भाई जब उसने रिटर्न के लिए आपको कहा था और आपने रिटर्न के लिए नहीं किया, तो जितना लॉस होगा वो आप बियर करेंगे। बी इज इंटाइटल टू द रेम्यूनरेशन, क्यों, क्योंकि आपको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, आप पूरा 1 लाख रिकवर करना था आपको, तो 1 लाख तो रिकवर कर लिए, तो 1 लाख का जब आपको रेम्यूनरेशन दे रहा है और बोला है कि 1 लाख को तुम इन्वेस्ट करना जहाँ से प्रॉफिट मिले, आप 90,000 इन्वेस्ट कर पाए, तो बाकी के लिए जो आप नहीं इन्वेस्ट किए जहाँ पे लॉसेज आ रहे, वो लॉसेज आप बियर करेंगे, एंड फॉर इन्वेस्टिंग द 90,000। बोला कि इज बी इंटाइटल टू गेट रेम्यूनरेशन, तो बोल रहा है कि ही इज नॉट इंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन फॉर इन्वेस्टिंग द 10,000। देखिए, अब 10,000 के लिए वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन था कि तुम्हें रिटर्न वाले पे ही डालना है, अच्छा रिटर्न जिस पे मिले। अब निगेटिव रिटर्न में 10,000 डाल दिए, 10,000 वाले पे तो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ जो है लिखा है कि इज बी इंटाइटल टू गेट रिम्यूनरेशन, आप लिख सकते हैं कि 90,000 वाले पे उसे मिलेगा, और बोला कि कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, ये को तो उसे देना पड़ेगा 2,000, क्यों, क्योंकि 10,000 जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन लॉस आया, तो कितना लॉस हुआ एक्चुअली में 2,000, तो 2,000 बियर कर लेगा और बात खत्म। और हाँ, पहला जो है कि ही कितना उसको मिलेगा, बी इंटाइटल है, इंटाइटल यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हाँ इंटाइटल्ड है 90,000 वाले के लिए, लेकिन बाकी के लिए नहीं इंटाइटल्ड है, तो वही लिखा हूँ, ये राइट टू रेम्यूनरेशन। आप पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस जहाँ पे एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ गलत कर रहे हो, इज नॉट इंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच ही हैज मिसकंडक्टेड। तो 10,000 का मिसकंडक्ट हुआ, 10,000 के लिए वो लाइबल नहीं है, कुछ भी लेने के लिए लाइबल बोल रहा हूँ, एलिजिबल। खैर, ये एक मर्चेंट है इंग्लैंड में, वो डायरेक्ट करते हैं बी को जो कि मुंबई में है कि एक एजेंसी मेरा एक्सेप्ट करो, तुम एजेंट बन जाओ और हमें 10,000 बेल्स शिप के थ्रू पहुंचाओ। बी बोला कि ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन बाद में वो ओमिट कर दिया, वो नहीं पहुंचा पाया, यहाँ पे उसने गलती किया, शिप जो है वो आराम से इंग्लैंड चली गई। उसके बाद जो है वो प्राइस कॉटन का बढ़ गया, बताइए, टाइम पे दिया नहीं और बाद में वो बढ़ गया। अब टू व्हाट एक्सटेंट बी इज लायबल एंड नॉट लायबल टू पे द प्रॉफिट सी मेड। तो देखिए, पहले जो वो नहीं पहुंचाया उसके लिए तो वो लायबल होगा ही, उससे अगर कोई प्रॉफिट किया तो, लेकिन जो नहीं पहुंचा उसके बाद का जो प्राइस बढ़ा उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। मतलब समझिए, मुझे आपको देना था 10,000, ठीक, अब इससे जितना मैं प्रॉफिट कर सकता था, अब ये तो मेरा होने वाला नहीं है, अब इससे मैं जितना प्रॉफिट कमा लिया और मैंने आपको नहीं पहुंचाया और वो प्रॉफिट आप कमाते, तो उसके लिए आप लायबल हो। बढ़ गया, कितना बढ़ गया, उसके लिए आप लायबल नहीं हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था या आपके लिए मैं एजेंट जो था वो 1 लाख के चीज़ के लिए था। मतलब समझिए, मैंने आपको एजेंट बनाया और बोला कि 1 लाख का सामान मुझे पहुंचाओ, इससे मुझे 10,000 का मुनाफा होने वाला है, और आपने टाइम पे नहीं पहुंचाया और 10,000 का मुनाफा आपने कमा लिया, तो क्या करना होगा बाद में, बाद में प्राइस बढ़ गई तो उसकी लॉ नहीं सुनेगा, लॉ ये सुनेगा कि जो 1 लाख का आप चाहते थे, 10,000 का खुद ये प्रॉफिट कमा लिया, ये प्रॉफिट आप ले लीजिए, प्राइस कितना बढ़ गया उससे कोई मतलब नहीं है, जिस टाइम पर आपके साथ गलत हुआ है उस टाइम का आपको पैसा मिल जाएगा। बी इज बाउंड टू मेक गुड टू ए द प्रॉफिट विच ही माइट हैव मेड बाई द 100 बेल्स ऑफ कॉटन एट द टाइम ऑफ द शिप अराइव्ड, ठीक है, बट नॉट एनी प्रॉफिट ही माइट हैव मेड बाय द सबसेक्वेंट अराइज। द एजेंट इज ऑलवेज बॉन्ड टू एक्ट विद, ये तो हो गया कि रीजनेबल डिलिजेंस से काम करना पड़ता है, अच्छे से अपना कुछ भी निगलेक्ट नहीं करना, अगर निगलेक्ट कर भी रहे हैं तो वो फेवर में होनी चाहिए, और क्या हो रहा है, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज। लॉस और डैमेज के केस में ऐसा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सामने वाला क्लेम कर सकता। तो वही है सिंपल कि जो पहले लॉस हुआ है उसका प्रॉफिट वो बियर कर लेगा। आगे देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेना आप, एक्स 20 क्वेश्चन है शायद। एक्स हु इज वाइज एजेंट, वाई का एजेंट है एक्स, ऑन 10th जनवरी 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट विदाउट वाइज परमिशन।
अब वाई के आप एजेंट हैं और वाई के परमिशन के बिना ही आप खरीद लिए, और आप कब थे? 10 जनवरी को उसका एजेंट अपॉइंट है। आफ्टर द परचेज ऑन 20th जनवरी क्या होता है, वाई टेल्स एक्स दैट ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेज एल दो एट द टाइम ऑफ परचेज द एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू बाई ऑन क्रेडिट। अब क्या बोलता है कि एजेंट को तो कोई अथॉरिटी नहीं था, फिर भी क्या करता है, वो अपना एक रेटिफाई कर देता है, मतलब एजेंट को फिर से अपना एजेंट बना देता है। और मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया और आपको बाद में कुछ करने की परमिशन नहीं है, फिर भी आपने किया और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता, तो ये क्या होता है, रेटिफिकेशन ऑफ द एजेंट्स। तो वही बोला है कि वाई सबसिक्वेंट स्टेटमेंट एंड 20th जनवरी अमाउंट्स टू रेटिफिकेशन ऑफ द एजेंट। ठीक है, तो वो रेटिफिकेशन का केस था क्योंकि बाद में वो एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे जो है वो रेटिफिकेशन का केस था। डज इट फॉर्म अ वैलिड एजेंसी, ये वैलिड एजेंसी था क्योंकि बाद में रेटिफिकेशन हो गया, मतलब समझो कि मैंने आपको अपॉइंट किया था 10 जनवरी को। एक्स व्हिच वाई इज एजेंट ऑन 10th जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट विदाउट वाई परमिशन, वाई के परमिशन के बिना ही खरीद लिया, लेकिन आफ्टर द परचेज 20 जनवरी को वाई कह दिया एक्स को कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं परचेज की हो, तो ये क्या हो गया आपका रेटिफिकेशन ऑफ द एजेंट्स, जहाँ पे सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है ओनर सिंपली कि ये मेरा एजेंट है। इफ प्रियल प्रिंसिपल हैज फॉर सेवरल मंथ्स परमिटेड सुनील टू बाई गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद, वो बोले सुनील को कि देखो तुम प्रसाद से सामान खरीद लेना एंड हैज पेड फॉर द गुड्स बाउट बाई सुनील, ठीक, और सामान खरीद के लाओगे पैसे दे दूंगा। अब सुनिए, प्रसाद हु हैड सप्लाइड, जो सप्लायर था बेचारा, गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुनील इन बिलीव दैट ही वॉज प्रियल्स एजेंट एंड वॉज बाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रियल। अब देखिए इसने क्या किया, परमिट किया था सुनील को कि देखो भाई तुम जाओ और सुनील से तुम खरीद लेना, इसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। सुनील जो है सप्लायर है बेचारा, तो यही सोचेगा कि ये उसका एजेंट है तो मेरे पास आया, क्योंकि सामने वाला उसको परमिशन तो दे दिया। आगे क्या बोला है, प्रियाल इज रिफ्यूजिंग टू पे प्रसाद, अब वो प्रसाद को पे नहीं कर रही है जबकि भेजी खुद ही परमिट की थी, फिर भी तो बोला क्या वो ऐसा कर सकती नहीं। प्रियाल कैन नॉट लेट हर रिफ्यूज टू पे प्रसाद हु हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट इन सुनील इन बिलीफ दैट ही वॉज प्रियाल्स एजेंट एंड वॉज बाइंग द गुड्स ऑन प्रियाल बिहाफ। क्यों? प्रियाल इज स्टॉप्ड फ्रॉम, नाउ सीधे प्रोविजन दिखाते हैं कि ये एजेंसी बाई स्टॉपेल है, मतलब कि सामने वाला जो है ओनर जो प्रिंसिपल होता है वो ये चीज़ बाई स्टॉपेल मतलब बिहेव से दिखा चुका है कि ये मेरा एजेंट है। तो जब आप ऐसे कर देते हैं स्टॉपेल पे, किसी को एजेंट अपॉइंट कर देते हैं तो एजेंट ही माना जाता है। वेयर द प्रिंसिपल बाई हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट इंड्यूस कर देता है किसी पर्सन को कि विश्वास कीजिए ये एजेंट की तरह है, तो वो एजेंट ही होता है और उसे कोई भी आगे एक्ट ऑफ एजेंसी से नहीं बचा सकता। यानी कि अगर एजेंट ने गलती की है तो आप भी गलत माने जाओगे, उसने खरीदा तो आपको भी पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए मे कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सम 5000 एडवांस बाई सी टू बी इन कंसिक्वेंसेज वेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल्स टू डू सो कैन सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए। अब देखिए क्या बोला, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है किसे, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई बी, वो बोला कि बी को मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा अगर कुछ भी सी गलती करता है तो, ठीक, बी को आइडेंटिफाई कर देगा वो 5000 के लिए जो एडवांस भी मिला है सी को, किसने दिया है, बाई सी टू बी जो बी को मिला है। अब सुनिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सम 5000 एडवांस्ड बाई सी टू बी, ठीक, तो बी के बिहाफ पे करेगा। इन कंसिक्वेंसेज वेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम टू सी, अब वो फेल हो गया तो क्या वो ए से भी रिकवर कर सकता है, सी कुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, सिंपल, जैसे इंडेमनिटी देखे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दिखाते थे, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन किया, ठीक है, तो उसके लिए मैं लायबल हूँ अगर वो नहीं दिया, तो ये सिंपल सा केस था। हालांकि इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने का मिलेगा जिसमें क्लियर कट प्रोविजंस ऐसे होंगे। एक्स फाइंड्स अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन लाइंग ऑन द रोड, ही पिक्स अप एंड गेट रिपेयर फॉर 5000, ही लेटर प्लेजेस द मोबाइल फोन फॉर 2000, बाद में प्लेज कर दिया। और क्या बोल रहा है, वाई बिंग ऑनर वांट्स टू क्लेम द फोन फॉर फ्री, फ्रीली वो चाहता है, हाउएवर एक्स वांट्स टू क्लेम 5000, क्या ये 5000 क्लेम कर रहा है, बिल्कुल, अगर उसने कुछ उसमें ऐड किया है तो आप ऑनर से तभी ले सकते हैं, आप एज एन ओनर उसे तभी ले सकते हैं जब सामने वाले उसमें कुछ ऐड किया है तो उसको आप रिमबर्स करें। एक टीवी डीलर है, समर वैकेशन पे सामने वाले को दिए कि लो भाई यूज करना, अब क्या हुआ कि कोई आया, वही जो समर वैकेशन पे यूज कर रहा था टीवी, उसको बोला कि ये टीवी मेरा है, तो इसमें क्या होगा केस,
वो बोला कि मुझे दे दो, तो इसमें ये केस होगा कि बी को क्या चाहिए, वो सब कुछ कोर्ट केस जो भी है वो डिसाइड करेगा कि कौन ओनर है, क्या है, किसके पास टाइटल, क्योंकि टाइटल तो अभी आपके पास भी नहीं है, आप भले ही टीवी को यूज करो, तो ये कोर्ट के पास के जाए। बी में अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द टीवी, जैसे कि क्या था, राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। इसका सिंपल मतलब है कि आप अभी तक ऑनर नहीं थे, आपने पे नहीं किया था, आपको सिर्फ वो डिलीवर्ड किया गया था, ठीक है, जैसे सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे होता है, आप तो ऑनर थे नहीं, सामने वाला बोल रहा है कि मैं ऑनर हूँ, तो ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना भाई। यहाँ पे है, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या, हाल सेल्फ वन मोर सिल्वर विल स्टोन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, मिसिस ए आती है सिल्वर ज्वेलरी लेकर और एक गोल्ड स्मिथ को देती है सिल्वर बॉल बनाने के लिए, तो वही क्वेश्चन है, वन नाइट सिल्वर बॉल खत्म हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता, क्योंकि पजेशन के साथ साथ आपको डिलीवरी भी देनी पड़ती है, डिलीवरी ही नहीं तो पजेशन कैसे जाएगा यार, तो डिलीवरी नेसेसरी होता है बेलमेंट के लिए, तो बेलमेंट नहीं था, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सामान डिलीवर किया, अब उस सामान को मैं अपना बक्सा दे रहा हूँ, अपना वहाँ पे अटैची रख रहा हूँ, अपना ताला मार दे रहा हूँ, तो सब कुछ मेरा हो गया ना, कुछ गलत होता है उसके साथ तो मैं ही लाइबल हूँ। अमर जो बेल करता है 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजीत, किसको, श्रीजीत को देता है, हु ऑन्ड अ किराना शॉप परमिशिंग टू गिव 2000 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बेल गुड्स। मैंने आपको दिया, आप किराना शॉप चलाते हैं कि भाई मेरा सामान रखो, मैं जब वापस लूँगा तो 200 रुपये दे दूंगा। अब मैं जो शॉपकीपर था उसका एक एम्प्लॉय था, बेचारे को पता नहीं था, वो आया और 50 किलोग्राम और शुगर आपके सामान में मिक्स कर दिया, आपके शुगर में, ठीक। अब जब मैं जो रियल ओनर था वो आया, बोला कि मुझे मेरा सामान वापस दो, तो उसे पता चला कि यहाँ पे तो सब कुछ मिक्स कर दिया गया है। केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैड बेल्ड विद श्रीजीत एट द प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शुगर हैड ट्रेबल, क्योंकि अब सब कुछ ट्रेबल हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया, तो वो पैसे क्लेम करना चाहता है, व्हाट इज़ रिमेडी अवेलेबल टू अमर। तो यही है, देखिए अब गलती तो बेल ही नहीं किया है, अगर मैंने आपको सामान दिया, आपका जो इम्प्लॉय है कुछ भी गलत कर दिया उसके साथ, तो इसके लिए आप लायबल हैं, उसके लिए सारे खर्चे जो है वो आप मुझे देंगे फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस विद रीजन्स वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड एज होल्डर अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला, एक्स हु ऑब्टेन्स अ चेक ड्रॉन बाई वाई बाई अ वे ऑफ गिफ्ट। देखिए वे ऑफ गिफ्ट मिले कैसे भी, अगर एक रेगुलर नेचर में आपको ड्रॉ करके मिल रहा है तो वो क्या मान लिया जाता है, वो तो होता है यस। एक्स कैन बी टर्म्ड एज ए होल्डर बिकॉज ही हैज राइट टू पजेशन, पजेशन भी है और अमाउंट भी रिसीव कर लिया, क्योंकि उसी के लिए तो गिफ्ट दिया गया ना पैसे का। दूसरा, सो के ए एज पेई ऑफ द चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाई कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द चेक। देखिए आपके पास एक तो कि वो गुड्स का पजेशन, वो सामान का पजेशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, दूसरा आपका अमाउंट का ओनरशिप होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये जो है आप होल्डर हैं, तो इसमें तो होल्डर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि कोर्ट ने आपको अमाउंट लेने से मना कर दिया। पहला तो ठीक है आपको पजेशन मिल गया, लेकिन दूसरा में नहीं, नो ही इज़ नॉट अ होल्डर बिकॉज टू बी अ होल्डर ही मस्ट बी इंटाइटल नॉट ओनली टू द पजेशन बट ऑल्सो टू रिसीव अमाउंट, तभी इसको माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या था, एम हु फाइंड्स अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन सीट। पेबल टू बीरर है, रोड पर गिरा मिला और वो ले लिया, तो ये क्या होगा, नहीं, एम इज नॉट अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दो ही इज इन पोजेशन ऑफ द चेक। बात वही है, ही इज नॉट इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ हिज ऑन नेम। देखिए क्या होता था कि अपने नाम पे पोजेशन और राइट टू अमाउंट होना चाहिए, तो वो तो कुछ मिला ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बी एजेंट ऑफ सी इंटरेस्टेड विद एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंडोर्समेंट बाई ए सी। अब सी ने तो इंडोर्स ही नहीं किया, हुई पे जो पे था उसने इंडोर्स नहीं किया, लेकिन एजेंट ने ले लिया, तो क्या वो हो जाएगा होल्डर, फोर देखते हैं, नहीं होना चाहिए, नो बी इज़ नॉट अ होल्डर, वाइल एजेंट मे रिसीव पेमेंट फॉर द अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक येट ही कैन नॉट बी द होल्डर दियर ऑफ बिकॉज ही हैज़ नो राइट टू सीव ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। जैसे होल्डर के बहुत सारे फीचर्स थे कि जो उस पर केस कर सकता है, जिसका ओनरशिप हो, जो अमाउंट जिसके पास हो, पोजीशन हो, तो ये सब कुछ ओनर का था, तो ये तो क्राइटेरिया एक फुलफिल नहीं होता। तो बी हु स्पीक्स हु स्टील्स अ ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फोर्ज ए सिग्नेचर, ए का सिग्नेचर आप फोर्ज कर रही हो, आपका तो उस पर नाम था ही नहीं, तो आप नहीं होंगे, नो बी इज नॉट ओल्डर बिकॉज ही इज रॉन्गफुल इन द पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगला था, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना और पता, खैर मैं बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, भोलेनाथ ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र, सुरेंद्र के फेवर में चेक ड्रॉ किया, आफ्टर हैविंग इशूड द चेक भोलेनाथ रिक्वेस्टेड सुरेंद्र नॉट टू प्रेजेंट, कि भाई प्रेजेंट मत करो, देखो मैंने तुमको चेक दे दिया, प्रेजेंट मत करना, स्टॉप कर दो, रिक्वेस्ट टू द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक इशू टू सुरेंद्र। बोला कि क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये वैलिड ऑफेंस होता है, तो पहले वैलिड ऑफेंस होता क्या है, देखिए अब मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया, कोई भी चेक आपको दे दिया, आप जा रहे हो, अब मैं आपको रोक रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जो है ये ऑफेंस के ही कैटेगरी में आता है,
ठीक है। देखिए वंस अचे की जूड बाई ड्रोवर अ प्रिजम्पशन ऑफ अंडर सेक्शन 139 ऑफ द निगोशिएबल स्ट्रिक फॉलोज एंड मेयरली बिकॉज द ड्रोवर इज यूज अ नोटिस दियर आफ्टर टू द ड्रॉ और टू द बैंक टू स्टॉपेज फॉर द पेमेंट इट विल नॉट प्रोड्यूस प्रिक्लूड एन एक्शन अंडर 138। लेकिन एल्सो सेक्शन 140 क्या कहता है, स्पेसिफाई एब्सोल्युटली लाइबिलिटी ऑफ द ड्रोवर ऑफ द चेक फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 138। 140 क्या कहता है, थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया, एक एक सेक्शन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते दो सेक्शन तो हो जाता। दैट इट विल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोजिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर 138 दैट द ड्रोवर हैड नो रीजन टू बिलीव वेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिजोनर्ड। अगर उसको पता था बेचारा को तब तो भाई वो लाइबल हो जाएगा, उसको नहीं पता था कि डिजोनर्ड होगा तो वो अलग चीज़ है। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ भोलेनाथ हिज रिक्वेस्ट ऑफ स्टॉप पेमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस है अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब देखिए ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस बनाए वो जो न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं ना, न्यूली एडेड फ्रेशली, जैसे एजेंसी बेलमेंट गारंटी उस वो हो गए, और क्या ऐड हुआ है आपका, और आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो सिर्फ न्यू चैप्टर्स को यहाँ पे ऐड किया हूँ, मतलब उनसे जो क्वेश्चंस बन सकता था उनको। और अब आप बोलोगे कि क्या और बाकी चैप्टर्स का भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले इन जो नए चैप्टर्स थे उनके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं पिछले अटेम्प्ट के होंगे। खैर एक सेकेंड, तो बाकी चैप्टर्स का भी बना दूंगा, जैसे अकाउंट्स का भी बनाऊंगा, लॉ का भी बनाऊंगा, हर का बना दूंगा, चिंता मत करना। और ये सारे क्वेश्चंस क्या आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये देखो लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये देखो ये सारे लिंक है यूट्यूब का, टेलीग्राम का, आप मेल भी कर सकते हैं, जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। 30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और हाँ एक बात और, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये जो कुछ भी बताया ऐसा नहीं, तो बिल्कुल मैं तो ये बता देता हूँ कि प्रोविजन तो बिल्कुल सेम ही होंगे, प्रोविजन्स बिल्कुल इसी टाइप का, क्वेश्चन इसी टाइप का। हो सकता है अमाउंट इधर उधर कर दे, नाम इधर उधर कर दे, तो उसकी चिंता मत करना, आप इतना समझ सकते हो कि नाम और अकाउंट में कुछ रखा नहीं है, मेन जो है प्रोविजन रखा है, और किस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका PDF दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।